अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दरस्ताज किचन में आज हम बनाएंगे चिकन कड़ी। 1 kg चिकन है ये, मैंने इसे 2-3 पान निकाल के वॉश करके अच्छी तरीके से रख लिया है। अब ये बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। 300 ग्राम ऑनियन है, मैंने मोटा मोटा काट लिया है इसे, और 7-8 ग्रीन चिली मिर्चें हैं, इसे फाइन पेस्ट ब्लेंडर जाल में बनाना है। 2 बेलियम हैं, 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये मसाले हैं 1.5 टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुजा पिसा जीरा है, ये शाही जीरा है, और ये सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 बड़ी साइज का टमाटर है, मैंने इसे बारीक बारीक कट कर रख लिया है। 100 ग्राम वेजिटेबल ऑयल है ये, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 जावित्री है इतना ही बड़ा, 2 लौंग है, 6-7 काली मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून जीरा है, 100 ग्राम ये दही है। चिकन को कोट करके रख लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून दही डाल देंगे, 1 पिंच हल्दी डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 पिंच रेड चिली पाउडर, 1 पिंच कोरिएंडर पाउडर, और ये सॉल्ट, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, और इसे इस तरीके से मिक्स करके रख देंगे। चिकन को हमने कोट कर दिया है कुछ मसालों के संग, अब इसे मैरिनेट होने देते हैं 15-20 मिनट के लिए, कवर करके रख देंगे। ऑनियन थी या ग्रीन चिली मिर्ची थी, इसका फाइन पेस्ट डाल देंगे मिक्सी जार में। ऑनियन और ग्रीन चिली मिर्चों का हमने फाइन पेस्ट बना लिया, इनको कर लेते हैं ऑन। उस पर कढ़ाई रख देते हैं, ऑयल डाल देंगे, फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पर हमने ऑयल को तेज़ गर्म कर लिया है, ऑयल तेज़ गर्म हो गया, अब इसमें गर्म मसाला डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है वाइट वाली, 1 दालचीनी का इतना बड़ा पीस है, जावित्री है, 1/2 टेबल स्पून जीरा है, और 4-5 काली मिर्च है, 2 लौंग है, इनका पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। बेलियम डाल देंगे तोड़ के इस तरीके से, और इनके पेस्ट का कलर चेंज हो गया ऑनियन का, हल्की गुलाबी हो गई है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 10-15 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए हुए मसालों के संग, अब इसे डाल देंगे इस तरीके से, चलाते जाएंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसे तब तक फ्राई करेंगे तब तक इसका तेल नहीं छूट जाए, इसमें से तेल अलग नहीं हो जाए चिकन में से, तब तक इसे फ्राई करना। चिकन को हमने इतना फ्राई किया ताकि तेल ऑयल अलग हो जाए चिकन से, इतना फ्राई किया हमने, मसाले मेंशन किए थे, इसे डाल देंगे। टमाटरों को भी डाल देंगे, 1 बड़ी साइज का टमाटर था, मैंने इस तरीके काट लिया है बारीक बारीक, फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पे ही सारे मसाले को भूनेंगे, फिर बीच बीच चला देंगे, चलाते रहेंगे ताकि तले पे लगे नहीं। मीडियम पे ताकि थोड़ा हाई कर लेंगे, और जल्दी जल्दी इसे चला देंगे, नहीं तो दही फट जाता है।
दही डाल दिया है इसमें। दही डाल कर पानी मैंने बिल्कुल नहीं लगाया है इसमें, सारा ये भून चुका है। एक दो पिंच फ्रूट कलर है मेरे पास, ये फ्रूट कलर डाल दूँगी जो बिरयानी में डलता है कलर के लिए। मिक्स कर लेंगे। स्लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट फिर से और भून लेंगे। चिकन भून लिया है, तेल चिकन से अलग हो गया है, इतना भूंजा है हमने। और इसमें तरी के मुताबिक पानी लगा देंगे चिकन में, इतनी हमें इसकी तरी चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक, ग्रेवी के मुताबिक मैंने इसमें पानी लगा दिया है चिकन कड़ी में। अभी 7 से 8 मिनट के लिए इसे कवर कर दे के रख देंगे स्लो मीडियम आँच पे। 7-8 मिनट के बाद देखते हैं, चिकन कड़ी को 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दम पे, स्लो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसे। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। चिकन कड़ी बनके एकदम तैयार है। इसे फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, इसे कर लेते हैं। चिकन कड़ी बनके तैयार है, फटाफट बनके तैयार हो गई है, एक बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत मज़े की बनके तैयार हुई है। अपने किचन में आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं इसको एक बार मेरे तरीके से। मेरे चैनल को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।